तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास कॉस इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आई, और दूसरा एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। ये एज ए होल हम लोग कहेंगे ये एल्जेब्रिक हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीक्वेंस में पहले आता है उसे फर्स्ट एज्यूम करेंगे। तो इस चीज़ को हम कायदे से लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स और एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये स्ट्रक्चर आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। ये इजिली इंटीग्रेबल है, ये भी देख सकते हैं, नीचे वाले का अंडर रूट का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये अपियर एफ डैश एक्स एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स फॉर्म से इसे अपियर कराया जा सकता है, इसलिए ये इजिली इंटीग्रेबल है। तो हम लोग इसे बाई पार्ट लगा दे, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, मतलब फर्स्ट, और इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और ये फाइनली डी एक्स हो गया इस इंटीग्रल के लिए। अब देखिए यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, ठीक है। तो माइनस टू से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ माइनस टू से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एफ एक्स की पावर है, थोड़ा और कायदे से लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये एफ एक्स हो गया और ये उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया। तो ये एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स, तो क्या होता है इसका, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और प्लस वन, तो हाफ आएगा और नीचे हाफ लिखेंगे, और ये हाफ इस हाफ से ये हाफ पलट के यहाँ पे टू आ जाएगा, है ना, कैंसिल बाद में करते हैं। तो ये आपका इंटीग्रल आ गया, ये वाला पार्ट इंटीग्रल आ गया किसका, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और माइनस टू एक्स का, यही इंटीग्रल आपका यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो उसको देख लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी हम माइनस हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये इनटू में रहेगा यहाँ पे। और कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आपका माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इनटू माइनस हाफ, और ये इंटीग्रल जो हमने यहाँ सॉल्व किया था वो टू टाइम्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दें टू टाइम्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया, टू और टू कैंसिल हो गया, और माइनस वन और इंटू माइनस वन प्लस वन हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा आपके, वन बचा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा कट पीट के वन आ गया, है ना, वन डी एक्स। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, ये इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट माइनस पहले से लगा हुआ है, इसको भी हम लोग टू टू कैंसिल कर देते हैं, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये माइनस रहेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे रेडिकल फॉर्म लिख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस, दैट इज योर फाइनल आंसर।